चार किलोमीटर आगे जाने के बाद भाई पूरा नज़ारा चेंज हो जाएगा भाई, पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा भाई, ना हमारा कार्ड चलेगा, एकदम मतलब अलग माहौल देखने मिलेगा। इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई जाने दो, लेकिन क्या मालूम क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। ट्रैवलिंग ऐसे ही है भाई, कभी क्या हो जाए आप लोगों को मालूम नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। फाइनली हमारी एंट्री हो गई है काबुल में, अफगानिस्तान में। यहाँ पर हर जगह आप लोगों को अफगानिस्तान के फ्लैग देखने मिलेंगे। मैं तालिबान का फ्लैग नहीं बोलूंगा, अफगानिस्तान का फ्लैग बोलूंगा। सलाम, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू। 3 दिन की जर्नी के बाद हम मिल गए जकी भाई से। तो देखिए भाई, ये लिखा हुआ है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से हम बाहर निकले हैं। ये रहा पहली झलक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल लेके समझ ही गएंगे, हम जा रहे हैं अफगानिस्तान, वो भी ट्रेन से जा रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ समरकंद उज्बेकिस्तान में। अभी आप लोग बोलेंगे भाई पिछले वीडियो में ताजिकिस्तान में था, अभी उज्बेकिस्तान कैसे पहुंच गया? तो यार बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी है, आप लोगों ने देखा ही होगा भाई, पिछले 2 साल से हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं, और खासकर जो पिछला 6 महीने गया ना भाई, उसमें तो एक दिन रेस्ट नहीं मिला है भाई। चाइना जा रहे, कभी रशिया जा रहे, फिर से चाइना जा रहे, तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो यार ताजिकिस्तान में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, 6-7 दिन वहाँ रुकना पड़ गया भाई, ना वीडियो बना पाया ना कुछ कर पाया, तो ऐसा हो गया था भाई, तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो सोचा भाई थोड़ा घर चले जाता हूँ, तो घर गया। 3 से 4 दिन रहने के बाद ना भाई तबीयत ठीक हो गई, तो फिर से वापस आ गया उज्बेकिस्तान। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है उज्बेकिस्तान की, फिर उसके बाद यहाँ से तुर्कमेनिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, ईरान जाना है, तो ये सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करना था आगे 2 महीने में। लेकिन जैसे कि आपको बताया थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो अभी वापस आ गए उज्बेकिस्तान में। अगर हमको उज्बेकिस्तान से तो जाना था तुर्कमेनिस्तान, लेकिन मैं सोचा पहले चलते हैं अफगानिस्तान, फिर उसके बाद ईरान चलते हैं, फिर उसके बाद भाई जैसा फ्लो बनते रहेगा, जहां जहां मन करते रहेगा भाई वहां आगे ऐसे चलते रहेंगे। और भाई आप लोगों को मालूम होगा अफगानिस्तान में भाई सैंक्शन लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान में भाई ना कोई कार्ड चलता है ना कोई, भाई आप कार्ड यूज ही नहीं कर पाओगे, तो आपको वहां सिर्फ कैश रखना पड़ेगा, और वो भी यूएस डॉलर भाई, और बाकी करेंसी वहां शायद चलती नहीं है, तो यूएस डॉलर ही सबसे ज्यादा चलता है। तो हमको भाई यहां से बैंक जाना है, वहां से हमको निकालना है यूएस डॉलर तो बैंक से निकलता नहीं है, पहले हमको यहाँ का जो सोम है वो विड्रॉ करना है, फिर उसके बाद हम बैंक जाके उसको चेंज करना है, फिर उसके बाद भाई सारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और आज का वेदर कितना ज्यादा अच्छा हुआ है भाई, ये देखिए समरकंद शहर का जो कितना ज्यादा अच्छा वेदर है यार, ये देखिए ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्मी है, एकदम परफेक्ट वेदर है। और हम आ गए हैं यहाँ पे, देख सकते हो कोर्जिंका, यहाँ का भाई ये सुपर मार्ट है, बहुत फेमस है उज़्बेकिस्तान में, हर जगह देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखिए भाई एटीएम है, यहाँ से पैसा विड्रॉ करना है, फिर हमको बैंक जाना है, फिर वहाँ से हमको यूएस डॉलर में एक्सचेंज करवाना है। तो देखिए भाई मैं जैन भाई के अकाउंट में पैसा डाल दिया हूँ, वो अपने कार्ड से विड्रॉ कर रहे हैं, फिर हमको यहाँ से बैंक जाना है। ऐसे डॉलर निकलता है भाई डायरेक्ट? मे भी निकलता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भाई, देखो ना डॉलर का लिखा हुआ है, 10 से $10 नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो भाई आवाज आ रही है, कट, ये मस्त आवाज है भाई, ये मस्त आवाज है, 25 लाख। देखो भाई यार जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम 25 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, 25 लाख सोम जो कि बनते हैं $200, क्योंकि यार मेरे पास 1100-1150 डॉलर रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं सेफ साइड के लिए ना भाई मतलब 200-300 डॉलर और निकाल के रख लेता हूँ, क्योंकि भाई अफगानिस्तान में भी सैंक्शन लगा हुआ है और ईरान में भी सैंक्शन लगा हुआ है, तो दोनों कंट्री में भाई कार्ड नहीं चलेगा, आपको पूरा कैश रखना पड़ेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से बैंक। बैंक जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं? अच्छा, तो भाई वोक्सल, जैसे कि आप लोगों को मैं आगे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, वोक्सल मतलब स्टेशन होता है, तो हम सामने स्टेशन, यहाँ से तकरीबन 5 से 7 मिनट चलेंगे तो स्टेशन आ जाएगा, वहां से हमको भाई लोग मिल जाएंगे जो सोम लेके डॉलर दे देंगे। तो चलते हैं भाई स्टेशन, और ऐसा कुछ नजारा है जो आपको दिखाया, बहुत ही अच्छा वेदर हुआ है अभी समरकंद शहर का। पर हम तो जा रहे थे पैदल, लेकिन आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे चलते हैं ट्रैम। तो सोच रहा हूँ भाई एक बार लास्ट बार समरकंद शहर में उज़्बेकिस्तान में ट्रैम ट्राई करते हैं, जो कि भाई बहुत ज्यादा सस्ता है, 10-15 रुपए में हमको स्टेशन छोड़ देगा, वैसे चल के जाएंगे तो 5-7 मिनट लगने वाले। अभी यहाँ पर ट्रैम है, देखिए भाई ये स्टेशन है जहाँ पर ऐसी लाइन बनी रहती है ना, ये यहाँ स्टेशन है, यहीं पर आके गाड़ी रुकती है, और ऐसा कुछ यहाँ पर ये बना रहता है भाई स्टॉप सा। तो देखिए भाई आ गई हमारी ट्रैम, सिर्फ 2 मिनट रुकना पड़ा, और जैसे कि आपको बताया था भाई ये स्टॉप है, ये लाइन पे आके रुकती है, फिर हम आराम से जा सकते हैं। देखिए रोड पे चलती है भाई बिल्कुल सब गाड़ियों के साथ में। चलिए भाई पहले उतरने दो लोगों को। तो देखिए भाई ऐसे होते हैं यहाँ के ट्रैम, अंदर से बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते भाई, छोटे से ही होते हैं, लेकिन काफी अच्छी जल्दी पहुंच गए भाई, पहुंच गए मोला भाई, इतनी जल्दी पहुंच गए। देखिए भाई और यहाँ हम बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ से पूरे शहर का अच्छे से व्यू मिलेगा, आराम से आप चलते आइए। और यहाँ की टिकट है भाई सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए, 11 रुपए में भाई आप कहीं भी आ सकते, पहले कहीं भी सकते, 11 रुपए में पूरी सिटी घूम सकते भाई, 11 रुपए में ना भाई ऐसे व्यू के साथ आप ट्रैम यूज कर सकते हो, और कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। सिर्फ यहाँ की टिकट है भाई 1600 वही जो 11 से 12 रुपए होते हैं, 11 रुपए भी नहीं होते भाई, 10 रुपए कुछ होता है, 11 से भी कम होते हैं, अराउंड 10 रुपए लगता है भाई आपको यहाँ पर कहीं भी जाने में ट्रेन में। 2 से 3 मिनट में हम हमारे स्टॉप पे पहुंच गए हैं,
तो देखिए भाई यहीं पे हमको हमारी ट्रेन ने उतारा, ये आखिरी स्टॉप है। ये देखिए भाई सामने है समरकंद वोगजाल, समरकंद का रेलवे स्टेशन, और यहीं से हमारी ट्रेन है जो हमको लेके जाएगी अफगानिस्तान। लेकिन भाई हमारी ट्रेन तो रात की है, रात में 11:40 की हमारी ट्रेन है। वो सारी जर्नी तो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले चलते हैं एक्सचेंज करवा लेते हैं। और यहाँ छोटी सी मार्केट भी है ना, यहाँ पर वोगजाल मार्केट भी है ना, चलिए मार्केट में अगर कुछ सामान लेने का रहेगा तो यहाँ ले लेंगे। चलिए देखिए स्टेशन के बिल्कुल सामने यहाँ पर लगी हुई है यहाँ की लोकल वोगजाल मार्केट, यहीं पर हमको आदमी मिलेंगे जो करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे। देखते हैं भाई चलते मिलते हैं कि नहीं। हो गया भाई एक्सचेंज, हो गया $200 करवा लिया एक्सचेंज। कितना लिया? 25 लाख में भाई $200 एक्सचेंज हो गया भाई, दो नोट के लिए हम पूरी गड्डी दिए। यार फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है अफगानिस्तान की। अब टाइम हो गया भाई स्टेशन जाने का, भी बज रहे हैं 11:20 और हमारी ट्रेन जैसे कि आप लोगों को बताया था 11:40-45 की, मुझे परफेक्ट नहीं मालूम। देखिए भाई सारे भाई जा रहे हैं छोड़ने, भाई इसको सामान क्या रखूँ, सामान पीछे रखना पड़ेगा ना। तो चलते हैं भाई स्टेशन, और रात का ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, यही बिल्डिंग में यहाँ पर रुके हुए थे, तो चलिए चलते हैं भाई। तो यार देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं समरकंद वोगजाल, समरकंद रेलवे स्टेशन। तो भाई जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, शायद हमारी ट्रेन आ गई है सामने। तो यार फाइनली हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, और हमारी ट्रेन अभी नहीं आई। देखिए भाई यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन, और अभी तकरीबन 10-15 मिनट बाकी है। ये हमारे जैन भाई, कितना दिन रुक गया भाई, 10-12 दिन रुके हुए। प्रतीक भाई, भाई कितना 10-12 दिन हो गए यहाँ रुके रुके। और ये भाई हितेश भाई, फिर हितेश भाई याद आएगी कि नहीं। तो भाई सारे भाई छोड़ने आ गए, यहाँ अंदर अलाउड नहीं था आना, लेकिन फिर भी आ गए भाई छोड़ने के लिए। तो अभी हमारी ट्रेन आएगी, हम यहाँ पर रुके हुए हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है भाई, जो कि 5 मिनट लेट है। और देखिए भाई ऐसी कुछ दिखती है यहाँ की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी है। और मैं टिकट जो बुक किया हूँ वो बिजनेस क्लास में बुक किया हूँ, तो देखते हैं भाई बिजनेस क्लास ट्रेन होती कैसी है। दिख तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। ये देखिए भाई उज़्बेकिस्तान रेलवेज। इस ट्रेन में ना 4 क्लास है, एक जो होता है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा सुपर वीआईपी रहता है, एक रहता है जनरल रहता है, एक स्लीपर है, और एक बीच में रहता है जो बिजनेस क्लास रहता है। मैं बिजनेस में बुक किया हूँ, जो कि टिकट मुझे मिली है 2,05,000 की। 2,05,000 सोम इंडिया की करेंसी में बनते हैं तकरीबन 1,450 रुपये। 1,450 रुपये की टिकट खरीदा हूँ मैं, और तकरीबन टोटल डिस्टेंस होने वाला है 10 घंटे का। देखिए भाई ये वैगन नंबर 3 है, और हमारा जो वैगन नंबर है 4 है, देखिए वो वाला है। जैसे कि आप लोगों को बताया भाई अंदर जाने के लिए आप लोगों को टिकट दिखाना पड़ता है। ओके चलिए भाई अंदर चलते हैं, आप लोगों को मैं ट्रेन दिखाता हूँ। पहले बैग रख के सेटल हो जाते थोड़ा सा, फिर अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरी सीट नंबर 14 है। तो यार देखिए ऐसी कुछ सीट है अंदर से, यहाँ पर 4 सीट है, मेरी सीट नंबर 14 है, ऊपर वाली है। चलिए पहले सामान रख लेते हैं अच्छे से, चलो भाई। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों ने देखा था भाई हमको ट्रेन में चढ़ते चढ़ते 11:30 बज गए थे, और सारे लोग सो रहे थे, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ रात में दिखा नहीं पाया। और भाई रात में दिखता ही नहीं कुछ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाया ही नहीं, सारे लोग सो रहे थे इसलिए मैं सोने का ट्राई किया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये अब तक की मेरी सबसे वर्स्ट जर्नी थी, सबसे ख़राब जर्नी थी, क्योंकि भाई बाहर का जो टेम्परेचर था वो भाई कंटिन्यूस चल रहा था, 4 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये जो हुडी देख रहे हो, उसके नीचे जो टी शर्ट देख रहे हो, ये पूरा उतार के सो रहा हूँ फिर भी इतनी गर्मी लग रही, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो एकदम अजीब सा सिस्टम हो गया था, मैं सोचा था भाई बिजनेस क्लास लेंगे थोड़ा सा भाई अच्छी फैसिलिटी रहेगी, लेकिन भाई मैं मतलब सो ही नहीं पाया। सुबह 6:30 तक ना भाई सोने का ट्राई किया, नींद ही नहीं आ पा रही थी, फिर उसके बाद 1 घंटा शायद सो पाया हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30, और देखिए भाई ये ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम था। सामने अभी देखिए मालगाड़ी खड़ी हुई है, दो दो सीट लगी हुई थी, मेरी ये वाली सीट थी, और ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं क्योंकि अभी लास्ट स्टेशन आने में 1/2 घंटा बाकी है, इसलिए ऑलमोस्ट सारी सीट खाली हो चुकी है। देखिए भाई ऐसा कुछ बोगी थी जो कि काफ़ी पुरानी पुरानी सी लग रही थी, वॉशरूम एक तरफ पे रहता है जो कि काफ़ी पुराना सा, ज़्यादा कुछ स्पेशल था नहीं दिखाने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हूँ मैं, यहाँ पर बैठते हैं, और 1/2 घंटे बाद हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है तरमे सिटी, जो कि एकदम बॉर्डर पर है अफगानिस्तान के, वहाँ से हमको बाय वॉक बॉर्डर क्रॉस करना है। तो देखते हैं कैसी जर्नी होने वाली है, थोड़ा सा भाई बैठता हूँ यहाँ पे और मिलता हूँ आपको तरमे स्टेशन पे। तो यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तरमे सिटी में। और यार आप लोगों को एक बात बता दूँ, हम अफगानिस्तान सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर है भाई, 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद पूरा नज़ारा चेंज हो जाएगा भाई, पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा भाई, ना हमारा कार्ड चलेगा, एकदम मतलब अलग माहौल देखने मिलेगा, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। ये देखिए भाई ये है तरमेस का रेलवे स्टेशन, जो कि एकदम बेसिक सा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये रही हमारी ट्रेन जिससे हम समरकंद से यहाँ तक आए हैं, नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए भाई बाहर चलते हैं
और देखते हैं भाई। सबसे पहले भाई खाने पीने का इंतजाम करते हैं। भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, रात में कुछ भी नहीं खाया। रात में भाई मैं घर से खा के निकला था वहाँ से, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। रख मत बदलना। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने एक छोटा सा बहुत प्यारा सा भाई एक रेस्टोरेंट दिख गया है, देख सकते हो मेरे पीछे। यहाँ पर आ गए हो भाई खाने, और अभी बज रहे 10:30। तो बोला भाई थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए भाई यहीं पर है स्टेशन, और ये रहा भाई खूबसूरत सा कैफे। चलते हैं भाई, मैं ऑर्डर भी कर दिया और ऑर्डर आ भी गया है। और नज़ारा आसपास का देखिए कितना सही लग रहा है यार, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये जगह। तो बैग तो बाहर रख दिया, बोले भाई बिल्कुल सेफ है, टेंशन मत लो, यहाँ बैग रहने दो। और मैं देख सकते हो यहाँ पर अंदर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर चाय आ गई है, ये आ गई है यहाँ की नान, और ये सूप सा आ गया अंदर, थोड़ी भाजी और थोड़ा सा चिकन वगैरह। तो यहाँ बैठते हैं और आराम से खाते हैं भाई, फिर उसके बाद आराम से निकलेंगे भाई बॉर्डर की तरफ। तो यार अभी बज गए हैं 2:00। अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई इतना टाइम हो गया, भाई 9:30 आया था, बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस कर रहा है। तो यार आज था जुमा, और मैं सारा सामान जो बैग वगैरह था जहाँ नाश्ता किए थे वहीं रख के आ गया भाई मैं नमाज पढ़ने। और भाई सुबह तो जल्दी आ गए थे हम, 10:00 चाहते थे हम बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान वाली साइड में भी नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अफगानिस्तान वाली साइड में मुझे रिसीव करने आ रहे भाई जकी भाई, जो कि हेरात में थे, ईरान के बॉर्डर के पास थे, वहाँ से फ्लाइट लेके वो यहाँ पर आ रहे मुझे रिसीव करने। तो यार उनकी फ्लाइट यहाँ पर 4:00 पहुँचेगी, और वो आते आते भाई 5:30 बज जाएगा। तो मैं सोचा अगर सुबह सुबह मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा अफगानिस्तान का, तो वहाँ मेरे पास ना इंटरनेट रहेगा ना मेरे पास कुछ वो रहेगा, तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भाई यहाँ पर रहता हूँ मैं, फिर उसके बाद अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के 3:30 आराम से बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, ताकि भाई वो वहाँ से भी आ जाए और मैं यहाँ से भी पहुँच जाऊँ। तो ऐसा कुछ सारा सीन था। देखिए भाई यहाँ पर इतनी खूबसूरत मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए भाई लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम 10,000-12,000 लोग नमाज़ पढ़े हैं यहाँ पर। अभी तो पढ़ के सारे लोग निकल गए हैं, और ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत सिटी लग रही है भाई ये तर्मेज़ सिटी, तो एकदम बॉर्डर पे। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भाई, वो सारा कुछ रशियन स्टाइल आर्किटेक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। और भाई जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद देख रहे हो बस इसके भाई 500 मीटर पीछे, जस्ट इसके पीछे मुश्किल आप 4-5 मिनट चलेंगे तो भाई आ जाएगा अफगानिस्तान। लिटरली एकदम ज़्यादा क्लोज है अफगानिस्तान के, मतलब आप समझ लीजिए। ये देखिए ये मस्जिद हम यहाँ पर रुके हुए हैं, और ये जो लाइन देख रहे हो ये वाली, ये अफगानिस्तान है। तो मुश्किल अगर मैं इस तरफ चल के जाऊँगा तो 4-5 मिनट में मैं अफगानिस्तान बॉर्डर पहुँच जाऊँगा, तो इतना पास में। लेकिन भाई हम यहाँ से पास वाला बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, हमको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जाना पड़ेगा तकरीबन यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 10-12 किलोमीटर दूर इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में से बहती है नदी, और हम नदी पे तैर के तो क्रॉस नहीं करेंगे। वहाँ पर है उज़्बेक और अफगान का फ्रेंडशिप ब्रिज, वो ब्रिज क्रॉस करके हमको जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ चलेंगे, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। अभी चलते हैं हम हमारे जहाँ होटल पे, जहाँ पर हमने बैग रखा है वहाँ से बैग पिक करते हैं। 2 तो बच गए हैं भाई, और बैग पिक करते हैं, यहाँ से जाते हैं बॉर्डर। तो चलते हैं भाई यहाँ से टैक्सी लेते हैं। तो वापस आ गई होटल पे जहाँ पर मैंने बैग रखा था। रख मत बैग ले। तो यार ये लोग ना भाई बहुत ज़्यादा अच्छे, मुझे ना बोल रहे थे कि खाना खाए बगैर जाना नहीं, क्योंकि बैग यहाँ रखे थे भाई, बैग मेरा अंदर। चलिए भाई इसको ले लेता हूँ मैं, यहाँ से अपना बैग ले लिया हूँ, अब चलते हैं। रखमत आपा जान, रखमत, बाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे यार, लोग मुझे बोले थे कि पहले तो भाई पैसा नहीं ले रहे थे सुबह का, उसके बाद बोलते कि आप जब आओगे तो खाना खा लेना, लेकिन भाई टाइम ही नहीं है, मोला चलते हैं भाई पहले बॉर्डर क्रॉस करते हैं। हाँ अंकल से मैं बात कर लिया हूँ बॉर्डर तो ये अंकल से मैं बात कर लिया हूँ बॉर्डर तक जाने के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेगा यहाँ से। लेकिन मैं जितना पैसा बोले मैं उतना देने तैयार हो गया, मतलब इनसे क्या ही कम करवाऊँ, बुजुर्ग आदमी है। तो यार हम निकल गए हैं बॉर्डर के लिए, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी छोटी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है, और सामने यहाँ पर कुछ फैक्ट्री जैसा लग रहा है, ये मेरा ख्याल है कुछ ऑयल फैक्ट्री जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी दुकानें, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है। मैं ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉर्डर टाउन में भी ऐसा कुछ नज़ारा रहने वाला है। तो चलते हैं, हम हमारा सफ़र कंटिन्यू रखते हैं बॉर्डर की तरफ। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हम बॉर्डर वाले एरिया में पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए सारी कुछ अफगान उज़्बेक ट्रक है, ये जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई, और ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो अफगानिस्तान से आ रही है। देखते हैं भाई, ये देखिए सामने ही वाला बॉर्डर है, मेरा ख्याल है आगे रिकॉर्ड करने मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी भी खड़ी है, कैमरा नीचे रखता हूँ। तो यार अभी बज रहे हैं 4:41 और तकरीबन मैं 3 घंटे से रुका हुआ हूँ, 2.5 घंटे से वहाँ पर रुका हुआ हूँ।
जाने ही नहीं दे रहे भाई, पता नहीं क्या सिस्टम है। बोलते आपको अगर जाना है तो तजिकिस्तान से जा सकते हो, उज़्बेकिस्तान से नहीं जा सकते। जब मैं वीज़ा लिया था ताशकंद से तो मुझे बोले थे कि भाई आप कहीं से भी जा सकते हो। जो कौंसलर जनरल थे, जो मेन थे वहाँ के, जो वीज़ा दिए थे, वो बोले थे आप भाई ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। लेकिन भाई पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है यार, ऐसे कुछ ट्रैवलिंग होती है भाई, ना सोया हूँ ना भाई क्या बताऊँ। आप लोगों ने देखा ही था, एक घंटा सो के खाली काम चला रहा हूँ और अभी बॉर्डर बंद होने में एक डेढ़ घंटा बाकी है। जकी भाई भी उस तरफ रुके हुए हैं भाई, यहाँ बैग लेके ऐसे देखो ये इस पर बैठा हुआ हूँ, बॉर्डर पर भी नहीं रुकने दे रहे हैं। तो क्या ही करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, एकदम थक गया हूँ भाई। इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई जाने दो, लेकिन क्या मालूम क्या चल रहा है। बोलते अफगान और उज़्बेक सिटीज़न जा सकते हैं, फॉरेन सिटीज़न नहीं जा सकते हैं। और जबकि भाई मैं कौंसलर जनरल से पूछ के आया हूँ, ऑनलाइन देखा हूँ, सारा कुछ अलाउ है, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, देखते हैं क्या बनता है भाई। तो यार बॉर्डर पे एक और घंटा बैठने के बाद मैंने रियलाइज़ किया अगर अफगानिस्तान जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है फ़्लाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको दो फ्लाइट बदल के अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। यार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ताशकंद में। यार मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। और यार मैं ये चीज़ तो ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखिए भाई ताशकंद ऐसा कुछ हुआ है भाई, हालत एकदम ख़राब सी हो रही है भाई। नीचे ना अंदर कोई थर्मल पहना हूँ और इसके नीचे सिर्फ एक टी शर्ट है, हाथ और एकदम जम से रहे हैं। देखिए भाई ताशकंद ये है एयरपोर्ट, अब चलते हैं भाई यहाँ से। मैं इंडेक्स कर लिया हूँ, पहले चलते हैं हॉस्टल में, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाता हूँ। चलते हैं भाई, नहीं पता। तो यार आप लोगों ने कल देखा था भाई, मैं वहाँ बॉर्डर पे रुके रुके इतना रिक्वेस्ट किया भाई, तकरीबन मैं 2:30 से 5:30 बजे तक वहाँ रिक्वेस्ट किया कि भाई जाने दो। वो बोले थे कि भाई ये लॉ है, हम जाने नहीं दे सकते हैं। और जबकि मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं वीज़ा जो लिया हूँ वो ताशकंद से लिया हूँ, यहीं से ताशकंद से मैं वीज़ा लिया हूँ अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान के जो मेन सबसे आदमी थे ना भाई एम्बेसी में, जो कौंसलर होते हैं ना सबसे मेन, वो बोले थे कि आप तरमेज से भी जा सकते हो और भाई फ्लाइट से भी जा सकते हो, आपको जैसा जाना है आप जा सकते हो, सारे बॉर्डर खुले हुए हैं भाई। उसके बाद ऑनलाइन में भी था कि भाई आप जा सकते हो। और उसके बाद मैं जकी भाई से भी पूछा था, जकी भाई भी बोले आ सकते हो, बॉर्डर खुला हुआ है। तो इतना कंफर्म करने के बाद भी जब वहाँ पहुँचा तो आप लोगों ने देखा भाई अलाउ नहीं किए। ट्रैवलिंग ऐसे ही है भाई, कभी क्या हो जाए आप लोगों को मालूम नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो अभी जो मेरा नुकसान हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ, जो कल का नुकसान है, जो अभी 3-4 दिन से हो रहा है वो तो छोड़ दो भाई, वो तो बताया ही नहीं, वो तो ब्लॉग ही नहीं बनाया। ये जो नुकसान हुआ ये हुआ 37,000 का, क्योंकि भाई मेरी तरमेज से ताशकंद की टिकट निकली है, वो निकली है 7,100 की निकली, क्योंकि अर्जेंट निकाला, बस 1.5 से 2 घंटे के बाद फ्लाइट की, एकदम अर्जेंट निकाला, तो 7,100 की टिकट निकली यहाँ तक जो रात में आया मैं। फिर उसके बाद अभी जो ताशकंद से काबुल जा रहा हूँ ये निकली है 23,000 की, तो ये हो गया 30,000। और जकी भाई की निकाला हूँ मजार शरीफ से लेके काबुल तक की, तो 3 फ्लाइट का भाई खर्चा होगा ज़बरदस्ती भाई। बॉर्डर क्रॉस करने देते थे तो सारा कुछ वो हो जाता। और यार ताशकंद बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यार, पूरा हाथ और एकदम जम रहा है। देखिए भाई चारों तरफ आप लोगों को बर्फ 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 देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो अब चलते हैं भाई, मेरी फ्लाइट है यहाँ से ताशकंद से काबुल की, तो होप भाई अभी कुछ प्रॉब्लम ना हो भाई। तीसरी बार है लिटरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आपको बताया मैं व्लॉग डायरेक्ट वहाँ पहुँच के बनाता हूँ, रास्ते में कितनी प्रॉब्लम हुई, क्या क्या सीन फेस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ा, वो सारी चीज़ के बारे में मैं यूजुअली वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं होगा। और मैं कल बना रहा था इसलिए आप लोगों ने देख लिया, नहीं तो भाई ये कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ सारा सीन होता है। अभी मैं यहाँ से इंडेक्स बुक किया हूँ, यहाँ आती होगी अभी कोई भी टाइम गाड़ी, यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और एयरपोर्ट चलते हैं। और थोड़ी बातें आप लोगों को बताता हूँ, अभी यहाँ से बस गाड़ी आती होगी। तो फाइनली गाड़ी में बैठ गया हूँ ताशकंद एयरपोर्ट के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया भाई, ये ट्रैवलिंग में हर दम होता है यार, चूंकि जबकि मैं 100% कंफर्म करके निकलता हूँ सारी चीज़ें होती है। तो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा भाई, कैसे भी ट्रैवलर है, कितने भी कोई भी ट्रैवल ब्लॉगर है, सबके साथ ये होता ही होता है भाई, चाहे कुछ भी कर लो ये होना ही है। अगर आप इतना ट्रैवल करोगे भाई कंटिन्यूस भाई एक के बाद दूसरा तो ऐसा हो नहीं। कभी कभी ट्रैवल करते तो भाई ओवर प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन जब आप हरदम ट्रैवल करते हो तो ये सब सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो आप चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो यार फाइनली पहुंच गए ताशकंद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यार चलते हैं, होप अभी प्रॉब्लम ना हो, अफगानिस्तान पहुंच जाए और ऐसा कुछ नज़ारा है, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। बर्फ थोड़ी थोड़ी ना देख सकते हो, छोटी छोटी स्नोफॉल चालू हो गई है। तो यार हम ताशकंद एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर भाई सिर्फ और सिर्फ उमरा जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है पूरी। तो देखिए भाई काउंटर नंबर 19, 20, 21 है, हमको जाना है 26 और 27 से हमारी चेक इन हो रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, सारे लोग उमरा करने जा रहे हैं। तो यार चेक इन वगैरह करा के, बोर्डिंग पास लेके, इमिग्रेशन करवा के मैं आ गया हूँ गेट पे। देखिए भाई सामने ये मेरा गेट है,
यहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी। और आप लोगों को तो बताया नहीं मेरी फ़्लाइट कौन सी फ़्लाइट है, तो मैं यहाँ से ताशकंद से काबुल जो फ़्लाइट गया वो है एक काम है कि अफगानिस्तान की एयरलाइन से, जिससे मैं एक बार और ट्रैवल कर चुका हूँ अबू धाबी से काबुल। तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, जितनी एक्साइटमेंट भाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करने की नहीं थी, उससे अभी एक्साइटमेंट भाई प्लेन से जाने की। तो यहाँ से काबुल का डिस्टेंस होने वाला है तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी मिली, तकरीबन भाई $280 की मिली है, 22-23 हज़ार की टिकट मिली है। कि भाई ये सामने हमारा गेट है, अभी 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें चालू होने वाली है, और यहाँ पर बोर्डिंग पास पासपोर्ट लेके मैं बैठा हुआ हूँ। और भाई यहाँ पर ना यार इतना हार्ड भाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करना था, उतना ही इजी एयरपोर्ट से जाना भाई, ना मेरे से वीज़ा मांगे ना कुछ भी मांगे भाई, खाली पासपोर्ट दिया, 1 मिनट के अंदर बोर्डिंग पास देंगे, तो इतना कुछ सिंपल सा प्रोसेस था। तो अब चलते हैं भाई, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और सारा सफर आपको दिखाता हूँ, मज़ा आने वाली है। यार ये रही हमारी प्लेन जो हमको लेके जाएगी अफगानिस्तान काबुल, और भाई 20 साल हो गए काम एयर को, फाइनली हम बोर्ड कर रहे हैं अफगानिस्तान की प्लेन। भाई इतना मेहनत लग गया, इतना पैसा लग गया भाई, तकरीबन 1 लाख रुपए लग गया समझ लो खाली अफगानिस्तान पहुंचने में। जैसा कि आप लोगों को दिखाया ये हमारी प्लेन है, और भाई हाथ में एकदम जम से रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो ठंडी कितनी ज़्यादा है, और यार मैं इतनी तैयारी से आया नहीं था। और ये देखिए सामने है ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है, सारी उज़्बेक एयरलाइंस खड़ी हुई है, इसी से हम आए थे कल तरमेज से ताशकंद तक। तो चलते हैं भाई, सबसे आखिरी पैसेंजर तो मैं ही हूँ, मेरे बाद कोई भी नहीं है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ कामयर कैप्टन हसीबुल्लाह हसीब, फर्स्ट ऑफिसर वाइस हेलो एंड रेस्ट ऑफ द क्रू। चलिए भाई हमारा सफर स्टार्ट हो गया है, और लकीली भाई विंडो सीट मिल गई है, और बर्फ के पहाड़ सारा व्यू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अभी फ्लाइट उड़ने ही वाली है तकरीबन 2 से 5 मिनट में। देखिए ये कुछ मिला है खाने के लिए, यहाँ पर सैंडविच है, यहाँ पर आप देख सकते हो जूस है, ये पानी की बोतल है, और ये चाय है। तो इतना कुछ मिला जो कि ठीक है भाई 1 घंटे फ्लाइट के लिए। और यहाँ से तो भाई कुछ दिख रहा नहीं, सारा कुछ बादल बादल है। इतना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ अच्छे से सारे कुछ बर्फ के पहाड़। तो यार फाइनली हमारी एंट्री हो गई है काबुल में, अफगानिस्तान में। इतना ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस था, इतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेस था भाई, इमिग्रेशन ऑफिसर एकदम ज़्यादा फ्रेंडली, एकदम मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। बस यहीं से निकला हूँ मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर अराइवल से, और यहाँ पर देखते हो तो सारे सोलार पैनल लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं भाई यहाँ से बाहर, वहाँ पर मिलेंगे जकी भाई। यार मतलब इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत के बाद 3 दिन बाद हम पहुँच गए अफगानिस्तान, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। और टेम्परेचर भाई अभी का टेम्परेचर है 12 डिग्री, जो कि एकदम परफेक्ट है, ना ठंडी ना गर्मी। तो इतनी थकानी वाली जर्नी के बाद हम फाइनली पहुँच ही गए अफगानिस्तान, मज़ार शरीफ नहीं काबुल ही सही। तो मज़ा आएगी भाई, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ से देखने मिलेंगे। और ये देखिए भाई यहाँ पर हर जगह आप लोगों को अफगानिस्तान के फ्लैग देखने मिलेंगे, मैं अब तालिबान का फ्लैग नहीं बोलूँगा, अब अफगानिस्तान का फ्लैग बोलूँगा, क्योंकि भाई अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो वो है, वो सब ये वेरीफाइड हो गया है, ये है अफगानिस्तान का न्यू फ्लैग, देखिए। चलिए चलते हैं बाहर, वहाँ पर सामने गेट है। मैं यहाँ ये एयरपोर्ट से भाई पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे याद है सारी चीज़ें। और यार अलाउड है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई ये सामने वाला जो है ये है डोमेस्टिक टर्मिनल, और इसके पीछे है इंटरनेशनल टर्मिनल, और ऐसा कुछ दिखता है भाई काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव अफगानिस्तान, पिछली बार भी आप लोगों को मैं ये दिखा चुका हूँ। और साफ सफाई तो एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये देखो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर। 3 दिन की जर्नी के बाद हम मिल गए जकी भाई से। डू यू रिमेम्बर लास्ट टाइम यू लेफ्ट अस हियर? अच्छा ओके, आई यू आर ऑल सो हाउ आर यू, हाउ आर यू, गुड? यस नाउ आई फील वेरी गुड भाई। ये भी आ रहे हैं फ्लाइट से यस्टरडे, तो आई केम टू द बॉर्डर टू मीट यू, आई वाज ऑन द उज़्बेक साइड, ही वाज एट अफगान साइड, इतने पास होके भी भाई मिल नहीं पाए। तो यार बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है, पहले चलते हैं बाहर। और वेयर आर यू गोइंग? नाउ वी आर गोइंग टू रूम, या काबुली। चलो भाई काबुली भाई, सबसे पहले काबुली खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहले
तो सबसे पहले भाई खाना खाएंगे, सुबह से ज्यादा कुछ खाए भी नहीं आप लोगों ने देखा। बट दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, लास्ट टाइम इट वॉज नॉट देयर। देखिए भाई ऐसा कुछ यहाँ पर एयरपोर्ट पे ये भी बना हुआ है। तो अभी ज्यादा कुछ बात नहीं हो रही है, पहले निकलते हैं बाहर, फिर मिलता हूँ। तो देखिए भाई ये लिखा हुआ है काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से हम बाहर निकले हैं। ये रहा पहली झलक, पहला व्यू काबुल शहर का, जो कि काफी ज्यादा भाई पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। पहले यहाँ थोड़ी गंदगी वगैरह थी, लेकिन अब देख सकते हो बहुत ज्यादा साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भाई सामने देखिए, ये है मैरिज हॉल यहाँ का, तो यहाँ से हमको टैक्सी लेके जाना है। तो देखिए भाई सारे तालिब भाई भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यार देखिए एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम आ गए हैं खाना खाने। तो ये रहा भाई कबाब, ये रही भाई रोटी नान, और ये रहा ब्रदर आई विल नॉट ड्रिंक दिस इजरायली, नो कैंसल। और ऐसा कुछ मॉल जैसी जगह है भाई, देखो भाई अफगानिस्तान में हम आए हैं खाना खाने, यहाँ पर बिल्कुल लग रहा नहीं है। तो भाई आज तो ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग करने का मन नहीं है, आज बस थोड़ा सा खा पी के आराम करेंगे, कल से अच्छे से ब्लॉगिंग होगी। अभी चलते हैं भाई, अब पहले खा लेते हैं फिर बाद में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों ने देखा था भाई हम काबुल पहुंच गए थे, अफगानिस्तान पहुंच गए थे बहुत ही ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद। पहला इंप्रेशन तो अगर मैं बोलूं, कल आप लोगों ने देखा था जब मैं यहां पर आया था, तो काफी ज्यादा अच्छा है भाई। अभी अफगानिस्तान थोड़ा चेंज भी हो गया, थोड़ा सा ज्यादा अलग भी लग रहा है, तो काफी ज्यादा मजा आएगी। बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोगों को मैं यहां से दिखाने वाला हूं जो पिछली बार मैं छोड़ दिया था। मतलब बहुत सारी अलग अलग यहां की विलेज लाइफ, और बहुत ही अलग अलग रीजन में भी हम जाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ सारा सीन होने वाला है। तो ये वीडियो तो भाई ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक चला, तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा भाई, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में।